अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो ये मेरा पहला व्लॉग है ज़िंदगी का जो मैं शूट करने जा रहा हूँ, पर इस व्लॉग का मकसद ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में वेलकम पार्टी से पहले के जो कुछ प्रिपरेशन होती हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम जवाद हमीद है। आई एम करंटली लिविंग इन लाहौर। बेसिकली आई एम स्टडिंग इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। सो फ्रेशर्स का एक इनिशिएटिव लेना था, वेलकम पार्टी हमने अरेंज करवाई और वो कुछ ही दिनों में हेल्ड होनी है, तो हम उसी की प्रिपरेशंस के लिहाज से आपको कुछ डिटेल्स बिहाइंड द सीन्स जैसे आप कहते हैं वो आप दिखाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं अभी उठा हूँ, बस तैयार होना है और तैयार होने के बाद बस इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या जर्नी रहेगी। तो सामने हूँ गाइस, इस वक्त मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। आज हमारे वेलकम डे से पहले वाला एक डेट है जो कि रिहर्सल्स का होगा, तो उम्मीद करते हैं आपको रिहर्सल दिखाएंगे और जो भी डिटेल्स हो सके वेलकम पार्टी की प्रिपरेशन के वो आपको इस कैमरे के आँख से जरूर मिलेंगे। तेरे लिए जान और तारे नाम प्यार और कैसे जताऊं, कैसी लगती है कैसे बताऊं, जस्ट लुकिंग लाइक अ फ्लावर, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ फ्लावर। सर, मैं लाहौर की मार रोड में, जो कि लाहौर की सबसे बिजिएस्ट रोड में से एक है, और आपको व्यू दिखाता चलूँ, आप इस व्यू से वाकिफ कहाँ हैं। ये आपका फेमस पीयू और ये आपका नेशनल म्यूजियम लाहौर, तो बस यूनिवर्सिटी चलते हैं। पैदल वॉक तकरीबन 10 मिनट रह गई और इंशाल्लाह मिलते हैं। जब ये रास्ते में मैं यहाँ बाग से गुजर रहा था तो आप लोग इस बाग से वाकिफ तो होंगे, सुबह सुबह ही इधर कपल्स देख लिए तो हम जैसे छड़े और रात जैसे भी कई छड़े जुमले देख रहे होंगे, थोड़ा सा अलोन फील होता है। टूटे मकान और वो भी सुबह सुबह ऐसे मंजर बना देख ले तो फील होगा। खैर छोड़ें, हम अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हैं, आपको यूनिवर्सिटी जाके मिलते हैं। तो यार मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूँ, ज़िंदगी का पहला व्लॉग जो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहा हूँ। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैंने जाना है एक टीचर के पास, हमारे रिस्पेक्टेड टीचर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो उनके ऑफिस से जाकर टेट वगैरह उठाना है क्योंकि लास्ट ईयर से है, तो थोड़े बड़े डेक की ज़रूरत है क्योंकि पिछले दिनों हम छोटे से वो स्पीकर्स पे रिहर्सल करते रहे, तो आज फाइनल डे है, फुल डे रिहर्सल भी है, तो आज बड़ा डेक उठाते हैं और फिर इंशाल्लाह अगले काम पर लगते हैं। तो चलें सर यहाँ के पास, आपको मिलवाते हैं, हो सका तो गारंटी नहीं दे रहा। तो यार मैं सर के ऑफिस तो आ गया था लेकिन अभी ऑफिस में ताला लगा है, शायद सर की क्लास हो, काफ़ी अच्छे बाद सर यूनिवर्सिटी आए हैं छुट्टियों में बाद, तो सर से मिलना भी है और सारी बातें कुछ काम भी रहेंगे, तो ये सर की क्लास है और तेरी, तो ये सर का ऑफिस है आप देख सकते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं इस्लामिया डिपार्टमेंट जो कि प्रीवियसली इंग्लिश डिपार्टमेंट था, मैं तकरीबन अपने 2 साल यहीं पढ़ा और उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ, लेकिन इस डिपार्टमेंट की वाइफ थी यार। अभी क्लासेस हो रही हैं, मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकता। तो यार अभी साथ तो नहीं मिले, तो ऐसा करते हैं नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद किसी काम पे लगेंगे क्योंकि यू नो यू नीड एन एनर्जी टू डू समथिंग मोटिवेशन स्पीकिंग। तो यार मेरे दोस्त ने मुझे ज्वाइन कर लिया है जिनने रिहर्सल में पार्ट भी लेना है, तो आइए आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये उमेर है, वेलकम डांस में मेरा साथ दे रहे हैं। वो अहमद रियाज, ये मेरे क्लासमेट भी हैं और इनका भी एक कॉमेडी स्किट है, तो होपफुली आज अप्रूव भी हो जाए। और ये हमारा नाश्ता, क्या देख रहे हो यार? ये हम देख रहे हैं एक ड्रामा देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये कर लें पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ये आपने पहले सोचना था और यकीन करें ये हो भी सकता था, लेकिन अब सर रेहान का भी मसला है यार, आप बड़े अरसे बाद आए हैं, सर रेहान को अगर कुछ भी ना दिखाया आज काम करा, ये लास्ट मोमेंट भी होता है, यू नो ना, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं उन पर फोकस कर लिया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ों में अगर हम ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली मैस क्रिएट होगा और ऑलरेडी हमारा एक प्ले पूरा नहीं हुआ, तो प्रोग्राम आज बढ़ जाएगा,
प्रोग्राम बढ़ जाएगा, इसलिए अभी फोकस, फिलहाल तो फोकस सैंडविच पे। अच्छा यार, हम अब इंशाल्लाह परफॉर्मेंसेस की तरफ जा रहे हैं, तो हॉल में जाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। यार सबसे पहला काम तो यार डेक उठवाना है, तो काइंडली मेरे साथ चलें और डेक उठवाएं। सर रियान से भी नहीं मिले तो काफ़ी अर्सा हो गया, सर रियान से भी मिलते हैं और सर रियान से मिलवाते हैं आपको। देख सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में ये परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और इंशाल्लाह कल को हमारा फंक्शन भी अल्लाह करे कामयाब हो जाए। और ये आप देख सकते हैं मेरा दोस्त सऊद कोशिश कर रहा है गाने की लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। अब्दुल्ला भी हमारे साथ हैं। हेलो अब्दुल्ला, आर यू रेडी फॉर टुमारोज़ परफॉर्मेंसेस? मतलब ये तो एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ खुद? नहीं तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना फैसला। ओके तो यार आपने अब्दुल्ला को सुनी लिया होगा, तो बाकियों से भी ले लेते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ साउथ कैसा कैसा था? कल कैसी परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ माय लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इवन अपने स्कूल लाइफ के टाइम की वर्स्ट परफॉर्मेंसेज, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बड़ा ही ऑनेस्ट ओपिनियन था। ये आप देख सकते हैं सारे कल परफॉर्मेंसेस के लिए रेडी हो रहे हैं, और ये भाई एक हमारे गाना भी गा रहे हैं। तोबा थारा मूड खराब कर दिया।